हेलो स्टूडेंट्स, यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड चैप्टर, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिंक्स विद दी सरफेस। लिंक्स विद दी सरफेस, टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिंक्स विद दी सरफेस। किसी भी सरफेस एरिया से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, उतना ही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा? ज़्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाई होगा। और जितनी किसी सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी कम लिंक करेंगी, जितनी कम उस सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही कम होगा। या फिर हम कह सकते हैं जो फार्मूला बेस्ड होता है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट ए और फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर और फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस सरफेस एरिया से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। सपोज दैट ये है कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन है दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसके अंदर कोई वॉक्स ये रखा हुआ है जिसका सरफेस एरिया है ए, जिसका सरफेस एरिया है ए। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है और इस सरफेस एरिया की भी जो डायरेक्शन है वो ये है। तो दोनों की डायरेक्शंस यहाँ से पता लगती हैं कि दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। सरफेस एरिया भी ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है। तो यहाँ से जो निकल के आता है वो ए पैरेलल टू ई, दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ से जो, जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके बीच एंगल क्या होता है, ज़ीरो। तो यहाँ से जो थीटा निकल के आएगा वो 0 डिग्री, दोनों के बीच
सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा की वैल्यू है 0। तो यहाँ कितना हो गया, ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से ई ए इंटू 1, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा वो फाई इज इक्वल टू कितना होगा, ई ए। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। कब? जब सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों। तो पैरेलल होने की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है। दूसरा देखते हैं हम, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन है ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जिसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। यहाँ कोई बॉक्स रखा हुआ है छोटा सा मान लिया, और इसका सरफेस एरिया है ये, इसका सरफेस एरिया क्या है, ए। यहाँ से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है क्या है, राइट साइड है, और यहाँ पे जो है सरफेस एरिया की डायरेक्शन ये है ऊपर की ओर, सरफेस एरिया की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। तो यहाँ से एक दूसरे के ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। यहाँ से सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के, जब दो रेखाएँ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, पैरेलल समांतर होती हैं, तब यहाँ से जो एंगल निकल के आएगा वो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू, फार्मूला हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और थीटा कितना है, 90 डिग्री, यानी कि ई ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि फाई इज इक्वल टू ई ए इंटू 0, और 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 0, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ई सॉरी 0, कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 0 है। अब 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं। जैसे कि अगर ये हमारा सरफेस एरिया है, तो यहाँ से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुई, इससे क्रॉस कर गई। बट यहाँ से जो निकल के आया है कि फाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये मतलब निकलता है इसका कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये बात रही किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। यहाँ जो डेफिनेशन है वो है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज बीइंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक
फील्ड। किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्फिनिटी से, किसी धनावेश को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में किया गया कार्य उसमें वैद्युत विभव के रूप में संचित हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। किसी धन आवेश को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसमें वैद्युत विभव के रूप में संचित हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम और बोल्ट, दो यूनिट्स होती हैं जूल पर कूलॉम और बोल्ट्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वैद्युत विभवांतर, इसकी डिफिनेशन होती है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध किया गया कार्य पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है।